हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं और आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं और आपने अभी तक ट्रेनिंग में वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है उस पर आप नहीं गए हैं और आप ट्रांसफार्मर के बारे में जानना चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर कैसा होता है, तो आप देख सकते हैं आपके सामने में ये ट्रांसफार्मर है। 160 MVA इसकी रेटिंग है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है वो वोल्ट एम्पियर में ही होती है। आप जैसा देख सकते हैं आपके सामने में, जो ये सामने वाला बुशिंग जो दिख रहा है इसे बुशिंग कहते हैं। तीनों फेस का अलग अलग है, आर वाई बी। आप वहाँ देख सकते हैं कलर कोडिंग के हिसाब से भी आपको वहाँ पर दिखाया गया है, आर रेड वाई बी। तीन फेस के लिए तीन बुशिंग है। इस जो बुशिंग है ये, इसे HV बुशिंग कहते हैं, क्योंकि ये 220x132 KVA का इसका जो है रेटिंग है। तो 220 साइड मतलब आपका जो है HV साइड हो गया और 132 साइड मतलब आपका LV साइड हो गया। तो HV साइड के लिए तीन बुशिंग है और आप देख सकते हैं उस साइड, वहाँ पर आपको LV बुशिंग देखने के लिए मिलेगा। आप वहाँ देख सकते हैं दूसरे साइड भी आपकी जो है तीन बुशिंग्स हैं, LV साइड के लिए भी, RYB तीन बुशिंग है। अब आप सोच रहे होंगे सामने में जो फ्रंट में आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3W करके जो लिखा हुआ है, ये 3V 3W, तो ये जो आपकी है टर्शरी है, मतलब कि 220x132। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से 33 का सप्लाई भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, आप जानते होंगे कि ट्रांसफार्मर में मेन टैंक, कंजर्वेटर टैंक, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेन टैंक जो है आपके सामने में है, इसे मेन टैंक कहते हैं, जिसके अंदर में ऑयल और आपकी जो वाइंडिंग्स और आपका जो कोर है वो प्लेस्ड होता है। दोस्तों, आपका जो सामने में जो ये दिख रहा है आपको रेडिएटर है, आपको मैं करीब से दिखा देता हूँ रेडिएटर को। साथ ही यहाँ पर जो है ऑयल कूलिंग और फैन कूलिंग भी है, फ़ैन लगे हुए हैं आप देख सकते हैं रेडिएटर के नीचे, और साथ ही यहाँ फ़ैन को जो है कंट्रोल करने के लिए, उसकी टेम्परेचर्स जो हैं वो देखने के लिए यहाँ पर टेम्परेचर मीटर भी लगा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर आपको रेडिएटर देखने के लिए मिलेगा, इस तरीके का है रेडिएटर, यहाँ देख सकते हैं। इसके बीच में गैप होता है ताकि आपकी जो है एयर पास होगी तो ऑयल जो है वो, जो हीट ट्रांसफ़र है वो ऑयल का वो होगा, जिससे कि आपकी जो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है, जो उसकी जो चलने की जो कैपेसिटी क्षमता है वो अच्छी एफिशिएंसी बरकरार रहेगी। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कंजर्वेटर टैंक, जिसमें आपका ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है, जो कि आपकी जब गर्मी के मौसम में जो है ऑयल फैलती है तो वो ऑयल जो है आपकी कंजर्वेटर टैंक में फिल हो जाती है मेन टैंक से, और जब ठंडी के मौसम में जब ऑयल सिकुड़ जाता है तो जो आपका जितना ऑयल लगना है वो कंजर्वेटर टैंक से आपका मेन टैंक पर चला जाता है। तो आपके सामने में आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे होंगे वो आपका कंजर्वेटर टैंक है, और इस कंजर्वेटर टैंक से आपकी जो ऑयल्स हैं वो इस मेन टैंक पर जाती है। साथ ही आपने स्टडी किया होगा कि ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल भी लगे रहते हैं जो कि मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। दोस्तों, सिलिका जेल जो है गुड कंडीशन में आप देख सकते हैं ब्लू कलर की होती है इस तरीके की, और जैसे जैसे ये मॉइस्चर अब्जॉर्ब करते जाती है उसका रंग धीरे धीरे चेंज होते जाता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से जो है इसका सिलिका जेल भी चेंज होते जाता है। अगर आपके मन में और कोई डाउट है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपको अगला नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में वीडियो बनाकर आपको लाइव यहाँ ट्रांसफार्मर दिखा करके समझाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।